पश्चिमी साहित्य जगत में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। इनमें से एक आंदोलन है प्रतीकवाद। तो आज हम प्रतीकवाद का अध्ययन करेंगे। वास्तव में यह पश्चिम से आई हुई अवधारणा है और हिंदी साहित्य में इसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन विभिन्न परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत सारे छात्रों की यह मांग थी कि मैं प्रतीकवाद पर एक लेक्चर लेकर आऊं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रतीकवाद। इन बिंदुओं के आधार पर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रतीकवाद को अंग्रेजी में कहा जाता है सिंबलिज्म। सिंबल शब्द से बना हुआ है। सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना, फिर देखेंगे प्रतीकवाद का उद्भव और विकास, कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, इस अवधारणा का। प्रतीकवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां तथा मान्यताएं, क्या क्या प्रवृत्तियां हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर प्रतीकवाद का मूल्यांकन, किया कितना सफल रहा, इसका क्या प्रभाव पड़ा। प्रतीकवाद के ह्रास के प्रमुख कारण, किन कारणों से इसका पतन हो गया, किन कारणों से इसकी समाप्ति हो गई। और अंत में देखेंगे निष्कर्ष। आइए देखते हैं, सबसे देखते हैं, पहले देखते हैं प्रस्तावना। प्रतीकवाद को अंग्रेजी में सिंबलिज्म कहते हैं। प्रतीकवाद का अंग्रेजी शब्द है सिंबलिज्म। साहित्य और कला के एक आंदोलन के रूप में प्रतीकवाद का आविर्भाव 19वीं सदी के अंत में फ्रांस में हुआ। तो इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 19वीं सदी के अंत में फ्रांस में। सबसे पहले प्रतीक को समझने का प्रयास करते हैं। प्रतीक का अर्थ होता है किसी एक वस्तु के प्रतिनिधि या व्यंजक। व्यंजक मतलब होता है व्यक्त करने वाला, के रूप में दूसरी वस्तु को प्रस्तुत करना। मतलब एक चीज के बारे में बताने के लिए हम दूसरी वस्तु का प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे गुलाब है, लाल गुलाब का फूल है, या प्रेम का प्रतीक है। तो ऐसे ही, तो हम प्रेम को बताने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं। प्रेम एक अमूर्त अवधारणा है, एक अमूर्त भावना है प्रेम, इसको दिखाने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं लाल गुलाब का, तो उसका प्रतीक हो गया। उदाहरण के लिए गणित के क्षेत्र में हम जोड़ के लिए धन धन का चिन्ह और घटाने के लिए ऋण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार शांति की भावना का व्यंजित करने के लिए कबूतर उड़ाते हैं। तो जो कबूतर क्या है, शांति की भावना का प्रतीक है। प्रतीक अमूर्त वस्तुओं को मूर्त और मूर्त वस्तुओं को अमूर्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। मूर्त वस्तु मतलब जो चीज हमको दिखाई दे रही है, जो हमको दृष्टिगोचर हो रहा है, जो चीज हमको दिखाई दे रही है। और अमूर्त मतलब जो हमको दिखाई नहीं दे रही है। जैसे हमारी भावनाएं हैं, सुख दुख, ये सब हमको दिखाई नहीं देता है ना, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस दिखाई नहीं देते। और मूर्त वस्तुएं कौन सी है, हमारे आसपास की सारी चीजें, पेड़ पौधे पक्षी और जो भी सामान हम देख पा रहे हैं वो मूर्त है। उदाहरण के लिए यश एक अमूर्त भाव है। यश मतलब प्रसिद्धि, एक अमूर्त भावना है। उसे मूर्त करने के लिए हम श्वेत रंग को सामने लाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि उसके दामन में जरा भी दाग नहीं है ना, साफ सुथरा है, तो श्वेत रंग, तो सफेद जो रंग है यश और प्रसिद्धि का प्रतीक है। उसी प्रकार गंगा नदी एक मूर्त प्राकृतिक जलधारा है। उसे मातृत्व प्रदान करके हम अमूर्त दैवीय शक्ति की कल्पना कर लेते हैं। जैसे गंगा क्या है, वास्तव में एक नदी है, लेकिन हम उसको गंगा मैया कहते हैं, है ना, उसको हम देवी का रूप देते हैं गंगा जी को। तो इस प्रकार गंगा नदी एक मूर्त प्राकृतिक धारा है जिसको हम देख पा रहे हैं, जलधारा है, नदी है, उसको हम देख पा रहे हैं, लेकिन उसे हम अमूर्त रूप में उसकी कल्पना करते हुए हम कहते हैं कि गंगा एक देवी है, देवी माँ है, अमूर्त दैवी शक्ति की कल्पना कर लेते हैं। इसी प्रकार राष्ट्र की अस्मिता एक अमूर्त भाव है। इसे व्यक्त करने के लिए हम राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग करते हैं। जो राष्ट्रीय ध्वज है वह हमारे राष्ट्र की अस्मिता, हमारे राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है। तो जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारे राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है, जो कि मूर्त है। राष्ट्रीय ध्वज मूर्त है जो हमको दिखाई देता है। अतः हमारा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। राष्ट्रीय अस्मिता क्या है, अमूर्त भावना है। सम्मान की जो भावना है, जो अस्मिता की भावना है, वह अमूर्त है। उसको मूर्त रूप देने के लिए हमने तिरंगा झंडा बनाया हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज। तो जो राष्ट्रीय ध्वज है राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। तो यह हो गया प्रतीक। प्रतीकों का प्रयोग मानवीय चेतना के विकास का द्योतक है। जो जो मनुष्य की चेतना विकसित होती गई, त्यों त्यों वह जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में प्रतीकों का प्रयोग करने लगा। गणित के क्षेत्र में हम अनेक प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार धर्म और कला के क्षेत्रों में भी प्रतीकों के प्रयोग निरंतर होते रहते हैं। प्रतीकों का प्रयोग केवल हमारे साहित्य में नहीं होता, बल्कि प्रतीकों का प्रयोग विज्ञान में भी होता है, गणित में भी होता है, और जीवन के विविध क्षेत्रों में भी हम प्रतीक का प्रयोग करते हैं। ऐसा माना जाता है, तो जैसे जैसे हमारे 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 ज्ञान का विकास हो रहा है, हमारी चेतना विकसित हो रही है, हमारी समझ विकसित हो रही है, तो हम नए 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 प्रतीकों का निर्माण कर रहे हैं, प्रतीकों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में प्रतीकवाद का आरंभ फ्रांस में 19वीं सदी के अंतिम चरण में हुआ। मतलब प्रतीकवाद की शुरुआत कहां से हुई थी, फ्रांस में हुई थी 19वीं सदी के अंतिम चरण में, 1890 के आसपास। वहां प्रकृतवादियों,
यह प्रकृतवाद क्या हो गया? प्रकृतवाद एक अलग से आंदोलन हो गया। प्रकृतवाद मतलब यथार्थवाद से आगे की स्थिति है कि जो जिस रूप में है, यथार्थ नग्न स्वरूप का चित्रण करना, मतलब जो यथार्थ जीवन है उसके नग्न स्वरूप का चित्रण करना, जहां दुख दर्द पीड़ा संतरास कुंठा इत्यादि है, वहां प्रकृतवादियों ने साहित्य में यथार्थ के नाम पर जीवन के सतह पर तैरते हुए नग्न यथार्थ को चित्रित करना शुरू कर दिया किया था। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति प्रमुखता प्राप्त करती गई। उनका तर्क यह था कि प्रकृति का सौंदर्य मुक्त और अनावृत है, मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंग है। मतलब जो मनुष्यता है उसका नग्न चित्रण करना उन्होंने शुरू कर दिया, हमारे जीवन में जो संघर्ष है उसका चित्रण यथार्थ रूप से। और उनका यह मानना था कि जैसे प्रकृति है, प्रकृति की कोई भी चीज ढकी हुई नहीं है, अनावृत है, उस पर कोई आवरण नहीं है, हम सभी चीज को खुले रूप में देख पा रहे हैं, वैसे जो जीवन है, जीवन भी अनावृत होना चाहिए। जीवन का जो सौंदर्य है इसको हमको छुपाने या फिर ढकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जो चीज जैसा है हमको वैसा ही उसको प्रस्तुत करना चाहिए। यह हो गया प्रकृतवाद। इसलिए मानव जीवन का यथार्थ सौंदर्य उसे पूर्णतः अनावृत कर देने में है। तो मानव जीवन का वास्तविक सौंदर्य, उनका मानना था कि मानव जीवन का वास्तविक सौंदर्य कैसा है, जो जैसा है वैसी वैसी रूप में उसको, प्रत्यक्ष रूप में हमको उसको प्रतिबिंबित कर देना है साहित्य में। इस यथार्थवाद की प्रतिक्रिया में, तो इसी की प्रतिक्रिया में, इसके विरोध में एक नया आंदोलन आया, प्रकृतवाद, प्रकृतिवाद या फिर प्रकृतवाद जिसे नेचुरलिज्म कहते हैं, इसके विरोध में एक नया आंदोलन आया और उस आंदोलन का नाम था प्रतीकवाद। इसे यथार्थवाद भी कहा जाता है। यथार्थवाद के आगे की स्थिति क्या है? प्रकृतवाद है। इस यथार्थवाद की प्रतिक्रिया में आध्यात्मिक मूल्यों को महत्व दिया जाने लगा और इन मूल्यों की अभिव्यक्ति के लिए अमूर्त प्रतीकों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो यथार्थवाद की प्रतिक्रिया में उसके विरोध में जो आध्यात्मिक मूल्य है, रहस्यात्मक मूल्य है, रहस्यवादी जीवन मूल्य है, आध्यात्मिक जीवन मूल्य है, उसके उसको प्रतिबिंबित किया जाने लगा साहित्य में, उन मूल्यों को महत्व दिया जाने लगा। और महत्व दिया किस प्रकार महत्व दिया जाने लगा? उनको साहित्य में परिलक्षित करने के लिए, प्रतिबिंबित करने के लिए, साहित्य में उनको अभिव्यक्त करने के लिए नए नए प्रतीकों का प्रयोग प्रारंभ हो गया, अमूर्त प्रतीकों का। इस प्रवृत्ति के बढ़ने से प्रतीकवाद एक आंदोलन बन गया। तो यथार्थवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतीकवाद क्या है? एक आंदोलन बन गया। और फ्रांस में इस आंदोलन के पुरस्कर्ता हैं बादलेयर, इनका जीवन काल है 1821 से 1867। फ्रांस में इस आंदोलन को शुरू करने वाले जो महान विद्वान है उनका नाम है बादलेयर। प्रकृतवाद में बता चुका हूं प्रकृतवाद क्या होता है, इसी के विरोध में यह आंदोलन आया था, प्रकृतवाद या फिर यथार्थवाद के विरोध में आया था प्रतीकवाद। प्रकृतवाद होता है आधुनिक साहित्य में यथार्थवाद का बढ़ा हुआ रूप, जिसमें समाज का प्रायः नग्न चित्र उपस्थित करना सही समझा जाता है। मतलब जो जीवन जैसा है वैसे उसको साहित्य में बिना मिर्च मसाला लगाए, बिना उसमें कल्पना का समावेश किए, जो जैसा है वैसा ही साहित्य में उसका उल्लेख कर देना, उसको प्रतिबिंबित कर देना, उसको लिख देना, यह कहा जाता है प्रकृतवाद। प्रतीकवादियों ने कविता को आध्यात्मिक गरिमा से मंडित कर दिया। तो इन्होंने प्रतीकवादियों ने क्या किया, साहित्य को यथार्थ के धरातल से हटाकर आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख कर दिया। प्रतीकों और व्यंजक संकेतों के सहारे उन्होंने प्रत्यक्ष भौतिक जगत को परोक्ष आध्यात्मिक जगत में रूपांतरित करने की कोशिश की। तो जीवन का जो यथार्थ है उसे हटाकर ये जीवन को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ने का इन्होंने प्रयास किया। मतलब जो बाहरी यथार्थ है उसका चित्रण करने के बजाय हमारे हृदय की जो अनुभूतियां हैं, जो हमारे मन में हृदय में जो जो भावनाएं हैं, उनके चित्रण पर इन्होंने बल दिया। कवि प्रत्यक्ष दृष्टा न रहकर रहस्य दृष्टा हो गया, तार्किक ज्ञान के स्थान पर स्वयं प्रकाश ज्ञान को विशेष महत्व दिया गया। तो इसमें क्या हुआ, प्रतीकवाद में जो बुद्धि अथवा तर्क था उसको ज्यादा महत्व प्रदान नहीं किया गया, बल्कि जो भावनाएं हैं, जो स्वयं प्रकाश ज्ञान, मतलब हमारे जो इंट्यूशंस हैं, जो हमारे खुद के फीलिंग्स और इमोशंस हैं इंडिविजुअल को, उसको ज्यादा महत्व दिया गया। मतलब सामाजिक यथार्थ से हटकर जो व्यक्ति की निजी अनुभूतियां हैं उसको अधिक महत्व प्रदान किया गया। बादलेयर के बाद मिलार्मे और आर्थर रिम्बो ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और अन्य विद्वान कौन थे? मिलार्मे और आर्थर रिम्बो। इंग्लैंड में विलियम बटलर येट्स, डब्ल्यू बी येट्स जिसको बोलते हैं, इन्होंने प्रतीकवाद को प्रश्रय दिया। इंग्लैंड में इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। यूरोप में प्रायः एक आंदोलन दूसरे आंदोलन की प्रतिक्रिया में उभरता रहा है, इसीलिए उसकी आयु लंबी नहीं होती थी, इसलिए कुछ दिनों बाद यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। तो पश्चिमी देशों में क्या होता है, यूरोप में जैसे कि मतलब एक आंदोलन आता है साहित्यिक आंदोलन, उस आंदोलन के विरोध में एक नया साहित्यिक आंदोलन आता है, तो वह आंदोलन समाप्त हो जाता है, नया आंदोलन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए प्रतीकवाद यह भी बहुत दिनों तक नहीं चला, इसके बाद कुछ नया आंदोलन आया गया होगा, तो यह आंदोलन कुछ दिनों के बाद समाप्त हो गया। भारतवर्ष में प्रतीकवाद आंदोलन नहीं बन सका, भारतवर्ष में इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है,
यह सही है कि विलियम बटलर एट्स और रविन्द्रनाथ टैगोर एक दूसरे को प्रिय थे। रविन्द्रनाथ टैगोर पर एड्स का प्रभाव भी अवश्य पड़ा था, किंतु उन्हें प्रतीकवादी नहीं माना गया। आपको मालूम है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो गीतांजलि लिखा है उसमें भी रहस्यवाद के दर्शन होते हैं, छायावाद के अंदर की एक प्रवृत्ति है रहस्यवाद, है ना। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पर W.B. येट्स का प्रभाव जरूर पड़ा, लेकिन फिर भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रतीकवादी नहीं माना जाता है। हिंदी साहित्य में प्रतीकों का विशेष प्रयोग छायावादी रहस्यवादी कविता में किया गया। पंत की कविता में प्रातःकालीन प्रथम रश्मि नवीन चेतना का प्रतीक बनकर आई। आप ये ध्यान रखें, प्रतीकवाद अलग चीज है, प्रतीकवाद एक आंदोलन है और प्रतीक अलग चीज है। तो हिंदी साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग होता है, लेकिन प्रतीकवादी जो आंदोलन है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रतीकों का प्रयोग तो बहुत पहले से हो रहा है, आदिकाल से है, और उससे पहले से, और कबीर जैसे कवि हैं, इन्होंने प्रतीकों का प्रयोग किया है। प्रतीकवाद एक आंदोलन है और प्रतीक अलग चीज है। जैसे हिंदी साहित्य में प्रतीक का प्रयोग किया है छायावादी रहस्यवादी कविता में किया गया है। रहस्यवादी कविता मतलब जो अज्ञात और अगोचर जो विराट चेतना के प्रति जो अपनी भावनाओं के अभिव्यक्ति करते हैं, जैसे महादेवी वर्मा ने किया है, पंत ने किया है। तो पंत जी की एक कविता है सुमित्रानंदन पंत जी की, छायावादी कवि हुए हैं सुमित्रानंदन पंत, उनकी एक कविता है प्रातःकालीन रश्मि प्रथम रश्मि। तो ये जो प्रथम रश्मि है वह क्या है, नवीन चेतना का प्रतीक बनकर आई है। मतलब सूरज की जो पहली किरण है प्रथम रश्मि है, वह नवीन चेतना नई भावनाएं नई चेतना का प्रतीक बनकर आई है। निराला में, निराला की एक कविता है बादल राग, आपने पढ़ी होगी बादल राग। तो निराला में बादल ध्वंस और सृजन और क्रांति का प्रतीक बन गया है। मतलब बिजली चमकती है तो नए नए पौधे लहलहा कर बुलाते हैं उसको कि आओ और बरस जाओ, है ना, बादलों को। तो यह उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बादल जो है ध्वंस और सृजन और क्रांति का प्रतीक है निराला में। उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद की कविता लहर में, लहर जो है नूतन भाव उल्लास, नूतन भाव उल्लास मतलब नई भावनाएं और उल्लास और हर्ष का प्रतीक है। लहर के प्रतीक के रूप में गृहित हुई है, उन्होंने ग्रहण किया है इसको प्रतीक के रूप में। और महादेवी वर्मा जी की कविता में दीप शिखा, दीप शिखा मतलब दीपक की लव, जब हम दिया जलाते हैं तो उसकी जो लव होती है दीप शिखा। तो महादेवी वर्मा की कविता में जो दीप शिखा है किसका प्रतीक है, समर्पित जीवन की उत्सर्ग चेतना का प्रतीक है। समर्पित जीवन की चरम चेतना उत्सर्ग मतलब विराट चेतना के प्रति उन्होंने जो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति किया है उसका प्रतीक है। इन प्रतीकों के प्रयोग से काव्य भाषा की व्यंजना शक्ति समृद्ध हुई है। व्यंजना शक्ति मतलब एक्सप्रेस करने की क्षमता, किसी चीजों किसी बात को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है उसको बोलते हैं व्यंजना शक्ति। तो इन प्रतीकों का प्रयोग से हमारी काव्य भाषा क्या है, समृद्ध हुई है, उसमें अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि हुई है। कवि सूक्ष्मतम अनुभूतियों का व्यक्त करने में असमर्थ हुए, किंतु किसी ने छायावादी कवियों को प्रतीकवादी नहीं कहा। तो इन प्रतीकों के माध्यम से जो हमारे छायावादी कवि हैं उन्होंने जीवन की जो हमारी जो हमारे दिल में हमारे मन में जो अनुभूतियां हैं, जो सूक्ष्म अनुभूतियां हैं, जो अमूर्त अनुभूतियां हैं, उसको व्यक्त करने पे प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करने में वे अत्यंत सफल हुए। लेकिन छायावादी कवियों को फिर भी प्रतीकवादी नहीं कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतीक को परिभाषित करते हुए कहा है, डॉक्टर नगेंद्र नाम के विद्वान हुए, उन्होंने साहित्यिक प्रतीक को परिभाषित करते हुए कहा है, साहित्यिक प्रतीक, प्रतीक एक प्रकार से रूढ़ उपमान का ही दूसरा नाम है। जब उपमान स्वतंत्र न रखकर पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वह प्रतीक बन जाता है। रूढ़ मतलब प्रसिद्ध या प्रचलित, और उपमान मतलब होता है वह वस्तु या व्यक्ति जिससे उपमा दी जाए। जैसे मैंने लाल गुलाब का उदाहरण दिया है, मैरून कलर का गुलाब, जो वैलेंटाइन डे में प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को देते हैं, तो जो लाल गुलाब है प्रेम का प्रतीक है, है ना। तो अब लाल गुलाब उसके लिए रूढ़ हो गया है, प्रेम के लिए जो लाल गुलाब है वह प्रेम के लिए क्या है, रूढ़ हो गया है। तो क्या कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र, प्रतीक एक प्रकार से रूढ़ उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए, है ना। प्रेम की तुलना किससे की जाती है, लाल गुलाब से की जाती है। तो प्रतीक एक प्रकार से रूढ़ उपमान का ही दूसरा नाम है। तो प्रेम का प्रतीक बन गया लाल गुलाब, रूढ़ उपमान मतलब प्रचलित प्रतीक या जिससे तुलना की जाती है उसको बोलते हैं उपमान। प्रतीक एक प्रकार से रूढ़ उपमान का ही दूसरा नाम है, रूढ़ उपमान को ही हम प्रतीक कहते हैं। जैसे लाल गुलाब एक प्रतीक है जो कि एक रूढ़ उपमान है। जब उपमान स्वतंत्र न रहकर पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वह प्रतीक बन जाता है। तो अब लाल गुलाब स्वतंत्र नहीं रह गया है, वह प्रेम का प्रतीक बन गया है, तो इसे क्या है, हम प्रतीक कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। डॉक्टर नगेंद्र से बेहतर परिभाषा है डॉक्टर कुमार विमल की है। वे कहते हैं संपूर्ण अर्थ संदर्भ व्यंजित करने की शक्ति अर्जित कर लेने वाला कोई अप्रस्तुत या शब्द प्रतीक है। मतलब कोई शब्द अथवा कोई अप्रस्तुत मतलब अमूर्त या गोचर जो हमको दिखाई नहीं देता, है ना, तो पूरे अर्थ संदर्भ को व्यंजित कर दे वह प्रतीक बन जाता है। जैसे लाल गुलाब का यहाँ पर हम उदाहरण देते हैं, लाल गुलाब किसी ने किसी को दे दिया तो वह क्या है, पूरी अर्थ की अभिव्यंजना कर देता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है,
कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कोई किसी को लाल गुलाब कर देता है, मतलब वह उसमें यह संदेश नहीं था कि मैं तुमसे प्यार करता। तो यह तो बिना बोले ही सब कुछ कह दिया गया। तो यह अप्रस्तुत यह शब्द प्रतीक है। उदाहरण के निराला, जब बादल राग में बादल को क्रांति चेतना का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत करते हैं। आपने कुकुरमुत्ता का कविता भी पढ़ी होगी, कुकुरमुत्ता कविता निराला जी की कविता है कुकुरमुत्ता। अबे सुनबे गुलाब, गर पाई खुशबू रंगो आप, खाद चूसा खाद का खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। तो वहां पर गुलाब अलग ही हो गया, वहां पर गुलाब उसका प्रतीक हो गया, किसका? पूंजी पूंजीपति वर्ग का प्रतीक हो गया, और जो कुकुरमुत्ता है वह सर्वहारा वर्ग का प्रतीक हो गया। तो अलग अलग कवि अपने अपने तरीके से उसको प्रयोग करते हैं। तो वहां पर जो गुलाब है वह प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह पूंजीपति वर्ग का प्रतीक बन गया है। तो अलग अलग कवि अलग अलग प्रकार से एक ही प्रतीक का प्रयोग कर लेते हैं। उदाहरण के लिए निराला, जब बादल राग में बादल को क्रांति चेतना का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत करते हैं, तो वह एक पूरे अर्थ संदर्भ का व्यंजक है। अब क्रांति किसके प्रति, कौन क्रांति करता है? जो पूंजीपति वर्ग के प्रति, सर्वहारा वर्ग जो क्रांति करता है, जो विद्रोह करता है, तो बादल उसका प्रतीक बनकर प्रस्तुत हुआ यहाँ पर। तो वह पूरा अर्थ संदर्भ को, पूरे अर्थ को यहाँ पर क्या करता है? अभिव्यक्ति प्रदान करता है। क्रांति के साथ ध्वंस और सृजन के अनेक व्यापार जुड़े हुए हैं। जैसे जब बादल में जब बारिश होती है तो बहुत सारी चीजें नष्ट हो जाती है, जब बिजली चमकती है तो कहीं आग लग जाता है, कुछ हो जाता है, लेकिन उससे क्या है, नए नए जो बीज जो रहते हैं जमीन में उसमें अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें ध्वंस भी है, सृजन भी है। बादल का वज्र घोष उन सब की व्यंजना करने में सक्षम है। जैसे बिजली चमकती है, तो बिजली चमकती है तो पता है कि आपको नाइट्रोजन के कारण बैक्टीरिया जन्म लेते हैं जो जड़ों में होते हैं पौधे के, जिससे उर्वरता बढ़ती है। तो जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन का प्रसार होता है धरती में, और उससे क्या होता है, नए नए अंकुर जो रहते हैं पौधे, वो क्या है, वो होते हैं अंकुरित होते हैं बीज से। तो ये बादल से क्या होता है, दोनों चीज होता है। निराला में ने जहां रूढ़ उपमानों को प्रतीक बनाया है, रूढ़ उपमान मतलब प्रतीक, जो प्रचलित प्रतीक है उनका प्रयोग किया उपमान का, वहां भी उन्हें पूरे अर्थ संदर्भ का व्यंजक बना दिया है। पूरा अर्थ को उल्लेख करते हैं, अर्थ को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए अंधकार निराशा का प्रतीक है या ज्ञान का प्रतीक है? जैसे अंधकार है, अंधकार किसका प्रतीक है? निराशा का, नैराश्य का प्रतीक है और अज्ञानता का प्रतीक है। राम की शक्ति पूजा में निराला, छाया घन अंधकार कहकर जब अंधकार का प्रयोग करते हैं, तो वह रात्रि के गहन अंधकार, राम की निराशा और पूरे वातावरण के सूनेपन जैसे कई अर्थ संदर्भों की एक साथ व्यंजना करती है। तो जब राम की शक्ति पूजा में निराला लिखते हैं छाया घन अंधकार, तो अंधकार किन किन अर्थों को व्यंजित करता है, किन किन अर्थों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है? रात्रि का गहन अंधकार, निराशा, भगवान राम की निराशा और पूरे वातावरण में जो एक सूनापन छाया हुआ है। तो ये कई प्रकार, यहाँ यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है, यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि जब तक काव्य रचना के क्षेत्र में प्रतीक विधान अर्थ संदर्भों की व्यंजना के लिए किया जाता है, तब तक तो वह काव्य के शिल्प पक्ष को समृद्ध करता है और प्रासंगिक माना जाता है। किंतु जब वह रचना की एक प्रमुख प्रवृत्ति बनकर वाद का रूप ले लेता है, तब काव्य का विकास अवरुद्ध हो जाता है। मतलब जब तक हम प्रतीकों का प्रयोग काव्य के एक शिल्प के रूप में, काव्य के एक टेक्निक के रूप में हम प्रतीक का प्रयोग करते हैं, तब क्या होता है, तब वो हमारी काव्य रचना को समृद्ध करता है, हमारी भाषा को हम समृद्ध करता है, एक्सप्रेशन को, अभिव्यक्ति को समृद्ध करता है। लेकिन जब हम प्रतीकों का प्रयोग एक वाद के रूप में करते हैं, तब क्या होता है, उसे काव्य का विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, काव्य का विकास रुक जाता है, काव्य की अर्थभूमि संकुचित हो जाती है और उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया की पृष्ठभूमि तैयार होने लगती है। मतलब जब हम प्रतीक को काव्य के एक उसके रूप में, वाद के रूप में प्रयोग करते हैं, तो काव्य का विकास रुक जाता है, तो अर्थ की अभिव्यक्ति की जो क्षमता है वह लगभग खत्म हो जाती है, और क्या होता है, उसके विरुद्ध विरोध में एक नई पृष्ठभूमि तैयार होने लगती है प्रतिक्रिया के स्वरूप में। काव्य को किसी भी वाद के दायरे में बांध कर नहीं रखा जा सकता। प्रतीक विधान का महत्व तो अब भी है, किंतु प्रतीकवाद अब इतिहास की वस्तु बन गया है। प्रतीक विधान मतलब प्रतीकों का प्रयोग या प्रतीकों का निर्माण, प्रतीकों का प्रयोग, इसको कहा जाता है प्रतीक विधान। तो प्रतीक विधान तो आज भी जारी है, नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन प्रतीकवाद नाम का जो आंदोलन था वह समाप्त हो चुका है, वह इतिहास की वस्तु बन चुका है। प्रतीकवाद का उद्भव और विकास, प्रतीकवाद का जन्म कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ? सौंदर्य शास्त्र में प्रतीकों का महत्व बहुत पहले से माना जाता रहा है, क्योंकि ये अपने आशय को साफ सपाट रूप में प्रस्तुत करने के स्थान पर सांकेतिक रूप से अर्थ की व्यंजना करते हैं। मतलब कविता की जो भाषा होती है वह अभिधा परक भाषा नहीं होती। अभिधा मतलब जो बोलते हैं वही अर्थ निकलता है, उसको बोलते हैं अभिधा। बल्कि आपको मालूम है तीन शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा लक्षणार व्यंजना, तो
तो व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग प्राय कविता में किया जाता है जो सांकेतिक होता है। तो इसी प्रकार सौंदर्य शास्त्र में इस सांकेतिकता का प्रतीकात्मक प्रतीकों का प्रयोग बहुत पहले से किया जाता है। मतलब कविता में किसी बात को सीधे सीधे नहीं कहा जाता बल्कि प्रतीकों के माध्यम से संकेत के रूप में किया जाता है। चूंकि संकेत चूंकि अभिधापरक, अभिधापरक मतलब स्पष्ट उक्ति, साफ साफ सीधा सीधा बात नहीं कहा जाता। चूंकि संकेत चूंकि अभिधापरक नहीं होते हैं अतः उनमें अर्थ की गहनता, गंभीरता तथा बहुस्तरीयता की गुंजाइश होती है। मतलब संकेत या फिर प्रतीक क्या होते हैं? अभिधापरक नहीं होते हैं, इसलिए उनसे कई अर्थ निकल सकते हैं, एक ही शब्द से कई अर्थ, तो गंभीर अर्थ की सृष्टि करते हैं, उनमें कई स्तर होते हैं, कई प्रकार के अर्थ ध्वनित होते हैं। इससे क्या है, रचना का सौंदर्य बढ़ जाता है। प्रतीकों की इस गहन अर्थवत्ता के कारण उनका उपयोग काव्य ही नहीं, धर्म, नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, यहाँ तक कि गणित में भी होता रहा है। तो प्रतीकों में बहुत ज्यादा क्षमता होती है, अर्थ की अभिव्यक्ति की क्षमता प्रतीकों में बहुत ज्यादा होती है। बहुत बहुत सारे अर्थ को ध्वनित करते हैं, व्यंजित करते हैं, इसीलिए जो प्रतीक हैं इनका प्रयोग केवल साहित्य में नहीं होता, काव्य बस में नहीं होता, बल्कि धर्म में होता है, नीति शास्त्र में होता है, मनोविज्ञान में होता है, गणित में होता है। मतलब लगभग जीवन के सभी क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्र में प्रतीकों का प्रयोग होता है। काव्य में प्रतीकों का इस्तेमाल सदा से होता रहा है और यह प्रवृत्ति किसी खास देश तक सीमित नहीं है। आप हिंदी को ही लें, हिंदी के आदिकाल में भी सिद्ध और नाथ साहित्य में प्रतीकों की बहुतायत है। प्रतीकों का प्रयोग केवल भारतवर्ष में या फिर विदेशों में ही नहीं होता बल्कि लगभग विश्व के सभी देशों में साहित्य में, काव्य में प्रतीकों का प्रयोग होता है। और हिंदी साहित्य में भी जब हम पढ़ते हैं तब आदिकाल का जो नाथ साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, वहां भी प्रतीकों की बहुतायत है, बहुत मात्रा में प्रतीक पाए जाते हैं। कबीर जैसे अनपढ़ कवि भी गहन प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कबीर जी को उनका कोई उनकी कोई फॉर्मल शिक्षा नहीं होती हुई थी, औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी कबीर ने, बल्कि जीवन के जो अनुभव हैं उन्हीं के माध्यम से उनको शिक्षा मिली थी। तो कबीर अनपढ़ थे, उसने कागज और कलम को कभी हाथ नहीं लगाया था। तो कबीर जैसे अनपढ़ कवि भी गहन प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कह देते हैं। अंग्रेजी साहित्य के प्रारंभिक दौर के कवि जॉन बनियन से लेकर शेक्सपियर से पहले के कवि, कवि स्पेंसर तथा स्वच्छंदतावादी कवि विलियम ब्लैक और कॉलरिज आदि की रचना में प्रतीकों का व्यंजक प्रयोग हुआ है। व्यंजक प्रयोग मतलब अभिव्यक्त करने के, अभिव्यक्ति के लिए। तो ये सारे अंग्रेज कवि हैं जिन्होंने प्रतीकों का प्रयोग किया है अपनी अभिव्यक्ति के लिए। किंतु एक आंदोलन के रूप में प्रतीकवाद का उद्भव फ्रांस में सन 1880 से माना जाता है। प्रतीकवाद का जन्म हुआ था फ्रांस में 1880 में, जब विलिये द लील एडम नाम के एक साहित्यकार हुए, इनकी नाटक प्रकाशित हुई थी एक्सेल, इससे ही शुरुआत मानी जाती है इसकी। लेकिन इससे पहले भी बादलेयर और मलारमे की रचनाओं में यह प्रवृत्ति दिखाई देने लगती है। तो विलियम द लील एडम की जो रचना है, नाटक है एक्सेल, इसमें प्रतीकवाद का प्रयोग किया गया है। लेकिन इससे पहले भी बादलेयर नाम के जो विद्वान थे, मलारमे थे, इनकी रचनाओं में प्रतीकवादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं शुरुआत में। इनकी रचनाओं के माध्यम से ही नहीं, इनके अन्य लेखन तथा सिद्धांत विवेचन से भी इस प्रवृत्ति को बल मिला। प्रतीकवाद के मुख्य वाहक कविता और नाटक थे। मतलब इन्होंने जो लिखा इनकी रचनाओं के माध्यम से नहीं बल्कि इनका जो लेखन था, इन्होंने जिन सिद्धांतों की विवेचना की, विचार विमर्श किया जिन सिद्धांतों, उनके बाद उसके माध्यम से भी इस प्रवृत्ति को बल मिला। और प्रतीकवाद के मुख्य वाहक कविता और नाटक थे। मतलब प्रतीकवाद को अभिव्यक्ति किस माध्यम से मिली? कविता के माध्यम से और नाटकों के माध्यम से प्रतीकवाद को सपोर्ट मिला, समर्थन मिला। इनमें प्रतीकवाद की अभिव्यक्ति हुई कविता और नाटकों में। प्रतीकवादियों का मानना था कि रचना में किसी शाश्वत सत्य की व्यंजना होनी चाहिए और वह प्रतीकों के माध्यम से ही संभव है। मतलब कोई शाश्वत सत्य, जीवन का जो अनुभूत सत्य है, जिंदगी में जो हमारे जो सच्चाई है, उसकी व्यंजना होनी चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए कविता में, और वह प्रतीकों के माध्यम से ही संभव है। मतलब मन के हृदय में जो सच्चाई विद्यमान है वह। बाह्य जगत के प्राणी तथा घटनाएं भी तभी कला का माध्यम बन सकती है जब प्रतीक के रूप में आए और किसी सनातन सत्य का संकेत दें। प्रतीक भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत को मूर्त और अमूर्त को मिलाने का माध्यम है। मतलब जो भौतिक जगत का मूर्त रूप है और आध्यात्मिक जगत का जो अमूर्त रूप है, उन दोनों को मिलाने का माध्यम होता है प्रतीक। एडगर एलन पो नाम के विद्वान है, उनका कहना है इस संसार का सौंदर्य एक विराट आध्यात्मिक सौंदर्य का प्रतिबिंब मात्र है और कविता उस प्रतिबिंब के चित्रण के जरिए उस अगम्य सत्य तक पहुंचती है। मतलब यह संसार है, दृष्टिगोचर जगत है, वह उस विराट सत्ता, उस परमपिता परमेश्वर का जो आध्यात्मिक सौंदर्य है, उसी का प्रतिबिंब है यह दुनिया। और उस प्रतिबिंब के चित्रण का माध्यम क्या है? उस प्रतिबिंब को
चित्र के रूप में प्रदर्शित करने का माध्यम क्या है? कविता है, जो हमको उस विराट सत्ता तक पहुंचाती है। प्रतीकवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां तथा मान्यताएं कौन कौन सी हैं? क्या क्या प्रवृत्तियां हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, अब हम देखते हैं। प्रतीकवाद की कुछ प्रवृत्तियों का अनुमान इसके उद्भव की परिस्थितियों से मिल चुका है ना। प्रतीकवाद क्यों जन्म लिया, कैसे इसका विकास हुआ, तो हम देख चुके हैं ऊपर। यथार्थवाद अथवा प्रकृतवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप इसका जन्म हुआ है। यथार्थवाद में वस्तु तत्व पर बल दिया गया था। यथार्थवाद मतलब जो भी हम देखते हैं दुनिया में, जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, उस वैसे कंटेंट पर बल दिया गया है। प्रतीकवाद ने बाह्य जगत के यथार्थ को महत्वहीन मानते हुए अमूर्त आत्म तत्व को महत्व दिया, जिसे देखा नहीं जाता, मात्र महसूस किया जा सकता है, या अपने अंतर में ही समझा जा सकता है, या विश्लेषित किया जा सकता है। प्रतीकवाद के प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नानुसार। वास्तव में दो प्रकार की दुनिया होती है, एक दुनिया होती है बाहरी दुनिया जिसमें हम रहते हैं, और एक होती है हर व्यक्ति के मन में एक अलग संसार होता है, उसके स्वयं की निजी अनुभूतियां होती हैं, भावनाएं होती हैं, कल्पनाएं होती हैं। तो प्रतीकवाद में बाहरी दुनिया के चित्रण के बजाय, बाहरी यथार्थ के चित्रण के बजाय, जो व्यक्ति है, जो कवि है, उसकी निजी अनुभूतियों के चित्रण पर बल दिया गया। उसके निजी अनुभूतियां हैं, जो खुद की भावनाएं हैं, मतलब आत्म केंद्रिकता पर बल दिया गया, कवि की आत्म केंद्रिकता पर बल दिया गया। इसके प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है? बाह्य जगत के यथार्थ का तिरस्कार। प्रतीकवादियों ने बाह्य जगत की घटनाएं, मतलब जो संसार की जो घटनाएं हैं, वस्तुएं या व्यक्तियों को क्षुद्र तथा महत्वहीन माना। प्रतीकवादियों के हिसाब से जो बाहरी दुनिया है, जो बाहरी दुनिया में घटित होने वाली घटनाएं हैं, जो वस्तु जगत है, जो व्यक्ति हैं, ये सबको क्षुद्र माना, तुच्छ माना, महत्वहीन माना, इनका चित्रण कविता में नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार इनकी अपेक्षा मनुष्य की आंतरिक संवेदनाएं तथा अनुभव अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और कला में इन्हीं को अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए। तो प्रतीकवादियों के अनुसार जो मनुष्य की जो मन की अनुभूतियां हैं, जो उसकी संवेदनाएं हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, जो उसकी निजी अनुभूतियां हैं, कल्पनाएं हैं, वे अधिक महत्वपूर्ण हैं, और कला में इन्हीं का चित्रण होना चाहिए। सामान्य मानवीय संवेदनाओं तथा अनुभवों के अतिरिक्त अति प्राकृत तत्वों, मतलब सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, जैसे हम ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करते हैं, अनुभवों और दार्शनिक तथा आध्यात्मिक प्रत्ययों को भी इन्होंने कला का विषय माना। माना कला का विषय सामान्य मानवीय अनुभूतियां तो होंगी, हर व्यक्ति के फीलिंग्स और इमोशंस और भावनाएं तो होंगी, इसके अतिरिक्त सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, ईश्वर पर आस्था, अनुभव और दार्शनिकता, और आध्यात्मिक प्रत्यय, मतलब आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक दर्शन, इनको भी इन्होंने कला का विषय माना है। अर्थात वस्तु के स्थान पर कंटेंट, बाहरी दुनिया का जो कंटेंट है, उसके स्थान पर भावों तथा विचारों की प्रस्तुति को इन्होंने महत्व दिया। शिल्प तथा शैली से भी यह जाहिर होता है कि प्रतीकवाद ने बाहरी यथार्थ को और भी अनेक प्रकार से नकारा, मतलब इनकी जो शैली है, जो लिखने का तरीका है, इससे भी पता चलता है कि इन्होंने मानवीय अनुभूतियों को ज्यादा महत्व दिया, बाहरी सांसारिक जो भी हम देखते हैं उसके चित्रण के बजाय। प्रतीक की आवश्यकता, प्रतीक की आवश्यकता क्यों होती है इसमें? इस सिद्धांत के अनुसार मानवीय मनोभाव तथा संवेग जटिल तथा विशिष्ट होते हैं। मतलब प्रत्येक व्यक्ति की जो भावनाएं होती है, निजी अनुभूतियां होती हैं, वह क्या होती है? जटिल होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है, विशिष्ट होता है। इनके अतिरिक्त अति प्राकृत अनुभव भी कला के विषय होते हैं। अति प्राकृत अनुभव मतलब सुपर नेचुरल जो एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम अध्यात्म कह सकते हैं, रहस्य कह सकते हैं, इनके अनुभव भी क्या है? जटिल होते हैं, अतः इन्हें कला का विषय बनाया जाना चाहिए। इन तमाम अनुभवों को सामान्य यथार्थवादी भाषा तथा वर्णनों के माध्यम से संप्रेषित नहीं किया जा सकता। इनकी अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल जरूरी है, क्योंकि उनमें व्यंजना की अपार क्षमता होती है। तो ये जो हमारी कवि की निजी अनुभूतियां हैं, उनको अभिव्यक्त करने के लिए आध्यात्मिकता को अभिव्यक्त करने के लिए, रहस्यवाद, रहस्यात्मकता को अभिव्यक्त करने के लिए जो सामान्य जो भाषा है, वह क्या सक्षम नहीं होती। इसलिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है, क्योंकि प्रतीक जो हैं, वे अभिव्यक्ति प्रदान करने में ज्यादा सक्षम होते हैं, है ना। इनमें व्यंजना की, अभिव्यक्ति की अपार क्षमता होती है प्रतीकों में। प्रतीकवादियों ने रूढ़ प्रतीक मतलब जो प्रचलित हो चुके हैं, प्रचलित प्रतीक है, का समर्थन नहीं किया है, जो पहले से प्रचलित है, जैसे अंधकार है तो निराशा का प्रतीक है, यह प्रचलित प्रतीक है, इसका उन्होंने समर्थन नहीं किया। अर्थात उन्होंने ऐसा कोई व्याकरण नहीं रचा जिसके अनुसार कोई खास वस्तु सदा किसी खास भाव या मना स्थिति के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हो। जैसे गुलाब है, मैं बता चुका हूँ, गुलाब का प्रयोग प्रेम के लिए किया जाता है, यह पारंपरिक प्रतीक है, लाल गुलाब। लेकिन निराला ने जिस गुलाब का प्रयोग किया है, वह पूंजीपतियों के अर्थ में किया है, उसका प्रतीक बना दिया है, ऐसा ही प्रतीकवाद है। जैसे अंधकार को सदा निराशा का या उजाले को हमेशा आशा का प्रतीक मानना, यह रूढ़ प्रतीक है। ये वे मानते थे कि हर रचनाकार के व्यक्ति वे मानते थे कि हर रचनाकार के व्यक्तित्व
तथा जीवन दृष्टि में फर्क हो सकता है। मतलब एक रचनाकार को गुलाब प्रेम का प्रतीक लग सकता है और एक रचनाकार को वही गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक लग सकता है, क्योंकि इनकी विचारधारा में फर्क है, जीवन दृष्टि में फर्क है, दृष्टिकोण में फर्क है, इसलिए उसके विचार समय तथा मनोभावी व्यक्ति विशिष्ट अर्थात औरों से अलग होते हैं। इसलिए प्रतीकवाद के अनुसार प्रत्येक कवि अथवा प्रत्येक व्यक्ति के जो दृष्टिकोण है, जो देखने का तरीका है, वह अलग अलग होता है, इसलिए एक ही प्रतीक का प्रयोग वे अलग अलग अर्थों में कर सकते हैं। इसलिए अपनी अभिव्यक्ति के लिए हर रचनाकार अपने तौर पर प्रतीकों की तलाश करता है और नए प्रतीक रचता है। इसलिए प्रत्येक रचनाकार नए प्रतीकों का न केवल सृजन करता है बल्कि उसमें नई अर्थवत्ता भी भरता है, नए अर्थ देता है प्रतीकों को। प्रतीकवादियों ने मिथकों का भी बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है। मिथक जैसे होते हैं, जैसे रामायण महाभारत वगैरह जैसे मिथक कह सकते हैं, इन मिथकों का भी बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है। वस्तु का प्रतीक नियंत्रण, जो वस्तु जो दिखाई देते हैं आम जिंदगी में, उनको प्रतीक बना दिया उन्होंने। कैसे? प्रतीकवादियों ने बाहरी यथार्थ की अपेक्षा अंतर के यथार्थ पर अधिक बल दिया। बाहरी यथार्थ मतलब जो हमारी दुनिया है, जिस संसार में हम रहते हैं, उसकी जो वास्तविकता है, उसकी वास्तविकता के बजाय हमारे मन में जो चलने वाले, मन में मन की जो भावनाएं हैं, उनकी अभिव्यक्ति पर मन का जो यथार्थ है, हृदय के अंदर में जो यथार्थ है, मनुष्य के भीतर जो एक दुनिया है, उसके यथार्थ को अधिक महत्व दिया। दिलचस्प बात यह है कि उस अमूर्त सत्य को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने मूर्त जगत की वस्तुओं का उपयोग किया, लेकिन प्रतीकों को। अब अमूर्त क्या है? हमारी भावनाएं अमूर्त है, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारी चेतना अमूर्त है, लेकिन उसको अभिव्यक्त करने के लिए उसे जो मूर्त जगत है, जो बाहरी दुनिया है, जो हमको दिखाई दे रही है, वहां से प्रतीक उठाए हैं, वहां से प्रतीक लिए हैं। वस्तुगत वर्णन तथा मूर्त व्यापारों के चित्रण का उन्होंने विरोध किया। वस्तुगत वर्णन मतलब नदी, पहाड़, झरना, जो बाहरी दुनिया है, जो हमारा संसार है, उनका वर्णन। मूर्त व्यापार मतलब दुनिया में चलने वाले जो काम काज है, जो हमारे एक्शंस है, जो हमारे क्रियाकलाप है, इसके चित्रण का उन्होंने विरोध किया। उनकी रचनाओं में ध्वनियां, वस्तुएं, प्राणी, स्थितियां आदि स्वयं अपने रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि अपना अभिधात्मक अर्थ मतलब स्पष्ट अर्थ को छोड़कर अमूर्त संवेदनाओं तथा विचारों की व्यंजना अर्थात अभिव्यक्ति करते हैं। ये वास्तव में बाह्य जगत को भाव जगत से जोड़ते हैं। तो इन्होंने जिन प्रतीकों का प्रयोग किया है, वे ध्वनि प्रतीक भी हैं, वस्तु भी है, प्राणी भी है, बहुत सारी चीजें, लेकिन उनका उन अर्थों में प्रयोग नहीं किया है मूर्त अर्थ में, बल्कि उन्होंने अमूर्त अर्थ में उनका प्रयोग किया है प्रतीक के रूप में, ताकि वे हमारी मन की जो भावनाएं हैं उनको अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकें, उनको अभिव्यक्ति प्रदान कर सकें। हमारी जो अमूर्त संवेदनाएं हैं, जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं, जो दिखाई नहीं देते, उनको इन प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। मतलब वास्तव में जो बाहरी दुनिया है उसको हमारी भीतरी दुनिया से जोड़ने का प्रयास किया है। इसे समझने के लिए हम अज्ञेय की इस छोटी सी कविता का उदाहरण देख सकते हैं। अज्ञेय जी की एक कविता है, उड़ गई चिड़िया कांपी फिर हो गई पत्ती। मतलब कोई चिड़िया किसी पेड़ पर बैठी हुई है, चिड़िया अचानक से उड़ जाती है, तो जो पत्ती है वो थोड़ी देर के लिए कांपती है, फिर क्या है, स्थिर हो जाती है। तो ये किसका प्रतीक है देखते हैं, चिड़िया का उड़ना, चिड़िया उड़ती है तो पत्ती का कांप कर स्थिर हो जाना, थोड़ी देर तक पत्ती कांपती है, हिलती है, फिर ठहर जाती है, स्थिर हो जाती है। ये बाहरी जगत की वस्तुएं तथा व्यापार है जो हम देख रहे हैं मूर्त जगत में, परंतु कवि का लक्ष्य इन व्यापारों का चित्रण करना नहीं है, इन एक्शंस का चित्रण करना नहीं है, इन क्रियाकलापों का चित्रण करना उसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि इनके माध्यम से वे कुछ और कहना चाहते हैं। अज्ञेय जी क्या कहना चाहते हैं? जैसे किसी के बिछुड़ने पर मन में उभरती और शांत होती हलचल, या इसी प्रकार का कोई अन्य भाव, जैसे जब कोई बिछड़ जाता है, जब कोई गुजर जाता है हमारे जीवन से, जब कोई दूर चला जाता है ना, या तो हमारे जीवन से दूर चला जाता है या हमारे हमेशा के लिए कोई चला जाता है, कुंडित हो जाता है, तब थोड़ी देर के लिए हमारा कोई बहुत करीबी है तो हमारे मन में एक झंझावात उत्पन्न होता है, एक वेदना, एक पीड़ा उत्पन्न होती है, लेकिन समय के साथ वह पीड़ा दूर हो जाती है, वह झंझावात दूर हो जाता है और हमारा जीवन पहले जैसा ही हो जाता है। उसे समझाने के लिए कवि ने बाहरी जगत की वस्तुओं को केवल प्रतीक के रूप में लिया। अब प्रतीक का स्वरूप कैसा होता है प्रतीकवादियों के हिसाब से? रचनाकार की अभिव्यंजना, अभिव्यंजना मतलब होता है अभिव्यक्ति अथवा एक्सप्रेशन। रचनाकार की अभिव्यंजना के लिए विषय तथा प्रतीक के बीच पूर्ण सादृश्य नहीं होता। मतलब यदि रचनाकार किसी चीज को अभिव्यक्ति प्रदान करता है तो जरूरी नहीं है कि जो विषय उसने उठाया है और प्रतीक, उन दोनों के बीच में कोई मेल जोल हो, कोई सामंजस्य हो। आइए अब हम देखते हैं प्रतीक का स्वरूप, जो चौथी विशेषता यह है प्रतीक का स्वरूप। आइए हम देखते हैं प्रतीक का स्वरूप कैसा होना चाहिए। रचनाकार की अभिव्यंजना के विषय तथा प्रतीक के बीच पूर्ण सादृश्य नहीं होता। मतलब रचनाकार जिस बात को अभिव्यक्त करने के लिए जिस प्रतीक का प्रयोग कर रहा है, उन दोनों के बीच में कोई सामंजस्य हो, कोई एक जैसा संबंध हो, ऐसा जरूरी नहीं होता।
यह रचनाकार के ऊपर है कि वह कब किस वस्तु को किस भाव के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो यह पूरी तरह से रचनाकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह यदि किसी वस्तु का प्रतीक के रूप में प्रयोग कर रहा है तो वह किस वस्तु के द्वारा किस भाव को अभिव्यक्त करना चाहता है। आप आधुनिक हिंदी कविता के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश कर सकते हैं। प्रयोगवादी कवियों ने प्रतीकों का बहुत प्रयोग किया है। आप भिन्न भिन्न कवियों की या एक ही कवि की अलग अलग कविताएं लें और देखें कि आइए देखते हैं नीचे क्या लिखा है। तो जो प्रयोगवादी कवि है वो एक ही प्रकार प्रयोगवादी कवियों ने प्रतीकों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है और आप देख सकते हैं कि विभिन्न कवियों के द्वारा एक ही प्रतीक का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है अथवा एक ही कवि एक ही प्रतीक का प्रयोग अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से करता है। पहला हम यह देखेंगे उनमें कि उनमें कितनी तरह के प्रतीकों का किन किन तरह के अर्थों में प्रयोग हुआ है। जैसे महादेवी वर्मा को आप देख सकते हैं, इसी प्रकार आप अज्ञेय को देख सकते हैं। दूसरा, प्रतीक तथा प्रतीकित भाव के बीच किस तरह का संबंध है कि जिन प्रतीकों के द्वारा जिस भावना को अभिव्यक्त किया गया है उनका आपस में किस तरह का संबंध है। एक और बात महत्वपूर्ण है कि प्रतीकवादियों ने वस्तु जगत से केवल दृश्य प्रतीक ही नहीं ध्वनि प्रतीक भी उठाए। मतलब जो प्रतीकवादियों ने प्रतीकवादी जो हैं वो हमारे जो दृष्टिगोचर जो संसार है जिसमें हम रहते हैं वस्तु जगत उससे केवल दृश्य प्रतीक ही नहीं उठाए जिनको हम देख सकते हैं बल्कि ध्वनि प्रतीक भी उठाए हैं। ध्वनि को भी उन्होंने लिया है, प्रतीक के रूप में ध्वनि का भी इस्तेमाल किया है। विशिष्ट ध्वनियों के प्रयोग के द्वारा उन्होंने विशिष्ट भावों की व्यंजना की चेष्टा की है। जैसे पानी के बहने का जो स्वर है, चिड़िया की चहचहाहट है, इन सबके स्वरों को इन ध्वनियों को भी उन्होंने प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। पांचवा है समाज तथा नैतिकता के नियमों की अस्वीकृति। एक विशेषता यह है इसमें कि समाज के जो नैतिक नियम होते हैं या फिर समाज के जो नैतिक नियम होते हैं समाज के जो नियम कानून होते हैं उनको भी उन्होंने इनको स्वीकार नहीं किया है। प्रतीकवादियों ने काव्य की वस्तु के रूप में, वस्तु मतलब कंटेंट विषय वस्तु, प्रतीकवादियों ने काव्य की वस्तु के रूप में बाह्य जगत के यथार्थ को तो अस्वीकार किया ही, समाज तथा नैतिकता से साहित्य के संबंध को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। ना तो उन्होंने बाहरी विषय वस्तु को अपनाया, समाज के यथार्थ जीवन की से विषय वस्तु ना तो उन्होंने उठाया है और ना ही उन्होंने समाज और नैतिकता का जो साहित्य के साथ जो संबंध होता है उसको कभी अस्वीकृत कर दिया है कि साहित्य का समाज से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, साहित्य का नैतिकता से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसका एक कारण तो यह था कि समाज धर्मिता भी बाह्य जगत से जुड़ी हुई अवधारणा है। उनका एक मानना यह भी था कि जो समाज धर्मिता मतलब साहित्य समाज सापेक्ष नहीं होना चाहिए, साहित्य का समाज से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए क्योंकि समाज क्या है, बाहरी अवधारणा है, बाह्य जगत से जुड़ी हुई अवधारणा है। और इनका जो पूरा रुझान था कहाँ था, मनुष्य के अंतर जगत, मनुष्य के मन में, उसके हृदय में, उसके दिमाग में जो विद्यमान जो चीजें हैं उनसे इसका संबंध था, आंतरिक दुनिया से व्यक्ति के। और समाज आखिर बाहरी दुनिया की व्यवस्था है, अंतर जगत की नहीं। मतलब बाहरी दुनिया से हटकर वे मनुष्य की अंतर जगत की ओर यात्रा करना चाह रहे थे। दूसरा कारण यह था, उनका यह मानना था कि सामाजिकता तथा नैतिकता के प्रतिमान साहित्य पर बाहर से दबाव डालते हैं और उसकी सहज अभिव्यक्ति में बाधक होते हैं। उनका यह मानना था कि सामाजिकता मतलब जो सामाजिक रुझान है साहित्य का, अथवा यदि वे नैतिकता का पालन करते हैं, सामाजिकता का पालन करते हैं, सामाजिकता का निर्वाह करते हैं, तब यह जो बाहरी मापदंड है वह साहित्य पर अनावश्यक दबाव डालते हैं और जो साहित्य की जो सहज अभिव्यक्ति होती है ना, सहज अभिव्यक्ति में बाधा पहुंचाते हैं। छठवां, साहित्य के रूप, कौन कौन से रूप को इन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित किया प्रतीकवादियों ने, मुख्य रूप से कविता और कुछ सीमा तक नाटक प्रतीकवादियों की प्रमुख विधाएं थी। प्रतीकवादियों ने प्रतीक का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें किया है, कविता में किया है और कुछ सीमा तक नाटक में किया है, ये उनकी प्रिय विधाएं थी। किंतु इनमें भी उन्होंने परंपरा को स्वीकार नहीं किया, इसमें भी उन्होंने पारंपरिक प्रतीकों को जो रूढ़ प्रतीक हैं उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कविता में इन्होंने तुकांतता का विरोध किया। तुकांतता मतलब एक जैसे तुक, जैसे राम श्याम, तो जो तुकांत होते हैं इनका विरोध किया, तुक जो होता है जिस कविता में। साहित्य के लिए चूंकि व्यंजनों को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे इसलिए कविता के विशिष्ट लय तथा शब्दों की ध्वनि के माध्यम से अपने कथ्य को संप्रेषित करने पर इनका विशेष बल था, इसीलिए इनकी रचनाएं मुख्यतः प्रगीतात्मक रही। प्रगीतात्मक मतलब जिसको गाया जा सके गीतों के रूप। साहित्य के लिए ये अभिव्यक्ति को, अभिव्यंजना को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, इसलिए इनका मानना था कि कविता में एक विशेष लय होना चाहिए और शब्दों में एक विशेष ध्वनि होनी चाहिए ताकि उसे कविता जो कविता है उसको पढ़ने से ऐसा लगे कि हम कोई गीत गा रहे हैं। इसे कहा जाता है प्रगीतात्मकता। इस प्रकार शब्दों के विशिष्ट लय और ध्वनि के द्वारा ये अपने कथ्य को, अपने विषय वस्तु को संप्रेषित करने
अभिव्यक्त करने के लिए यह प्रतीकों का प्रयोग करते थे। अब भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा प्रतीकवादियों के मत में यथार्थवादी अविधापरक भाषा का भाषा अभिव्यक्ति का उपयुक्त माध्यम नहीं बन सकती। मतलब यथार्थवादी जो भाषा थी वह अविधापरक थी, जो बोला जाता था वही उसका अर्थ निकलता था। लेकिन इनका कहना है प्रतीकवादियों के मत में वह भाषा ज्यादा अच्छी है जो व्यंजना शब्द शक्ति से संबंध रखती है। अभिधा लक्षणा व्यंजना तीन शब्द शक्तियां होती हैं। भाषा में इंद्रियातीत अगम्य अनुभव तथा स्थितियों की अभिव्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए और इस प्रकार की व्यंजना वह तभी कर सकती है जब शब्दों को उनके परिचित सामान्य अर्थ संदर्भों से काट दिया जाए। दूसरे शब्दों में किसी कवि की रचना में शब्द पारंपरिक अर्थ न देकर वही अर्थ दे जो कवि का अभिप्राय हो। भाषा में शब्दों के साथ ही ये कवि सामान्य या विशिष्ट शब्द ध्वनियों का भी व्यंजक प्रयोग करते हैं। उनका कहना है कि शब्दों का प्रयोग ऐसा होना चाहिए जो किसी कवि या लेखक की भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। मतलब शब्दों का अर्थ अभिधेयार्थ नहीं होना चाहिए, अभिधा शब्द शक्ति से इसका संबंध नहीं होना चाहिए बल्कि व्यंजना शब्द शक्ति से संबंध होना चाहिए। अर्थात शब्दों का जो पारंपरिक अर्थ होता है, जो शब्दकोशी अर्थ होता है, वह शब्दों से वह अर्थ ध्वनित नहीं होना चाहिए बल्कि कुछ और अर्थ ध्वनित होना चाहिए और वह वही अर्थ दे जो कवि अभिव्यक्त करना चाहता है, जो कवि का अभिप्राय है। इस प्रकार भाषा में शब्दों के साथ ही कवि ध्वनि मतलब विशिष्ट शब्द ध्वनियों का भी व्यंजक होना चाहिए वह शब्द, इसका इस प्रकार वे प्रयोग करते हैं। अब प्रतीकवाद का मूल्यांकन करके हम देखते हैं कि प्रतीकवाद किस सीमा तक सफल रहा और क्या रहा इस। यथार्थवादी दृष्टि जब असंतुलित होकर मात्र वस्तु परकता तथा जड़ता की ओर झुकने लगी थी तब प्रतीकवादी आंदोलन आत्मपरक दृष्टिकोण के माध्यम से साहित्यिक सोच में एक संतुलन लेकर आया। मतलब जब यथार्थवादी दृष्टि यथार्थवाद से और यथार्थवाद के कारण बहुत ज्यादा असंतुलित हो गई थी, जीवन के नग्न यथार्थ का उसमें प्रतिबिंबन होने लगा था, तब प्रतीकवादी आंदोलन वहां पर आया और उसका दृष्टिकोण मनुष्य के बाह्य जगत से उसके अंतर जगत की ओर यात्रा की ओर था, तो यह एक संतुलन लेके आया कवियों के दृष्टिकोण में। परंतु किसी भी आंदोलन को किसी और सिद्धांत या आंदोलन की प्रतिज्ञा मानना मात्र स्थिति का सरलीकरण होगा। लेकिन यदि हम केवल यह कहें कि यह जो प्रतीकवाद है केवल यथार्थवाद अथवा प्रकृतिवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप उसके विरोध स्वरूप इसने जन्म लिया तो यह अति सरलीकरण होगा या सामान्य सी बात होगी, ऐसा कहना उचित नहीं है। उसके उभरने के पीछे और भी अनेक स्थितियां तथा शक्तियां सक्रिय होती है। मतलब जब भी कोई नया आंदोलन आता है तो उस आंदोलन के उभरने के पीछे, उस आंदोलन के जन्म लेने के पीछे बहुत सारी स्थितियां और परिस्थितियां होती हैं। यहां प्रतिक्रिया की बात इसलिए की जा रही है कि यह किसी भी सैद्धांतिक आंदोलन के उभरने के प्रमुख कारणों में से होती है और इसका प्रभाव शायद सबसे अधिक स्पष्ट रूप से नजर आता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो प्रतिक्रिया होती है मतलब किस बात के विरोध में एक नया आंदोलन जन्म लिया, तो वह जो बात अधिक महत्वपूर्ण होती है जिसकी प्रतिक्रिया में इस नए आंदोलन ने जन्म लिया। वस्तुतः प्रतीकवादी आंदोलन अपने समय की जरूरतों के अनुसार उभरा और अपने समय की स्थितियों को इसने काफी प्रभावित किया। मतलब प्रतीकवादी आंदोलन ने जन्म लिया वह समय की जरूरत थी और न केवल इसने जन्म लिया बल्कि अपने समकालीन साहित्य को इसने बहुत ही ज्यादा प्रभावित भी किया। फ्रांस इंग्लैंड तथा जर्मनी में महत्वपूर्ण रचनाकारों का एक बड़ा वर्ग इससे जुड़ा और साहित्यिक सोच तथा मिजाज में बदलाव लाने में काफी हद तक सफल रहा। तो इसका जन्म फ्रांस में हुआ लेकिन इसने केवल फ्रांस के साहित्यकारों को प्रभावित नहीं किया बल्कि इंग्लैंड तथा जर्मनी के भी महत्वपूर्ण साहित्यकारों को इस प्रतीकवादी आंदोलन ने प्रभावित किया तथा उनका जो दृष्टिकोण था, उनका जो मिजाज था, जो सोच था, उसमें बदलाव लाने में बहुत हद तक सफल भी रहा। नए प्रतीकों की आवश्यकता तथा पारंपरिक प्रतीकों के नए प्रयोगों पर बल देकर उन्होंने रचना को रूढ़ियों अर्थात प्रचलित प्रतीकों के प्रयोग से उभारा। तो इन्होंने न केवल नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया बल्कि पारंपरिक रूप से जो रूढ़ प्रतीक प्राप्त हुए थे वे प्रतीक जो परंपरा से प्रचलन में थे उसमें उन्होंने नई अर्थवत्ता भर दी, नए अर्थ दे दिए और रूढ़ियों से बाहर निकाला। आपको अज्ञे की कविता कलगी बाजरे की याद होगी, आपने कविता पढ़ी होगी अज्ञे जी की कलगी बाजरे की, जिसमें उन्होंने नए प्रतीकों की आवश्यकता पर बल दिया। मतलब एक ही प्रकार के प्रतीकों का बार बार एक ही चीज के लिए प्रयोग हो जाता है तो वे प्रतीक क्या हो जाते हैं, अपनी अर्थ खो देते हैं, अपना महत्व खो देते हैं, इसलिए हमको नए नए प्रतीकों की आवश्यकता पड़ती है। काव्य शिल्प की रूढ़ियों को भी इन्होंने नकारा। मतलब पुराने जो शिल्प थे, कविता लिखने का जो तरीका था, जो स्टाइल था, उसको भी इन्होंने नकारा। काव्य में मिथकों के सृजनात्मक प्रयोग को इन्होंने फिर से उभारा। इसके फलस्वरूप
आलोचना में भी मिथ की दृष्टि का विकास हुआ। तो काव्य में क्या है, मिथकों का प्रयोग, मिथक मिथ। जैसे हम कहते हैं कि रामायण महाभारत इत्यादि हमारे मिथ से मिथक थे, इनके सृजनात्मक प्रयोगों को इन्होंने फिर से बढ़ावा दिया। इसके फलस्वरूप आलोचना में भी मिथ की दृष्टि का विस्तार हुआ। तो इसी के कारण न केवल कविता में बल्कि आलोचना में भी मिथ की दृष्टिकोण का विकास हुआ। आंदोलन के रूप में प्रतीकवाद इस सदी के आरंभ में अस्त होने लगा था, किंतु परवर्ती साहित्य तथा साहित्यालोचन पर इसका प्रभाव अब तक किसी न किसी रूप में चला आ रहा है। बाद में 20वीं शताब्दी में यह धीरे धीरे समाप्त होने लगा, परंतु बाद में जो साहित्य लिखा गया अथवा जो साहित्य की आलोचना की गई उस पर इसका प्रभाव किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। प्रतीकवाद के ह्रास के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? प्रतीकवाद के पतन के कौन कौन से कारण थे देखते हैं। पहला, प्रतीकवाद के बाह्य ह्रास, प्रतीकवाद के ह्रास के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं। इसके पतन के कारण यह है, बाह्य जगत का पूर्ण बहिष्कार, बाहरी दुनिया का इन्होंने पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। इनकी रचनाएं एक बड़े पाठक वर्ग से कटने लगी थी, वे युग के यथार्थ और अपने समाज से भी कटने लगे थे, और जो रचनाकार अपने युग का नहीं होता वह किसी भी युग का नहीं होता। तो इन्होंने जो जीवन का जो यथार्थ है, जो समाज का यथार्थ है, उससे वे कटने लगे थे। मतलब इनकी इनका क्या था, जो कवि की निजी अनुभूतियां हैं, जो कवि के स्वयं के फीलिंग्स और इमोशंस हैं, उसकी जो सोच है, उसका जो दृष्टिकोण है, उसी को अपने साहित्य में प्रतिबिंबित करते थे अपनी रचनाओं में। तो इससे क्या हुआ, जो समाज का यथार्थ है, युग का यथार्थ है, वह से कट गया, और जो रचनाकार अपने युग के लिए समर्पित नहीं होता, अपने समय के लिए समर्पित नहीं होता, वह क्या होता है, वह किसी भी युग का नहीं होता, उसका कोई महत्व नहीं होता। इसके बाद आत्मपरकता का अतिरेक, आत्मपरकता क्या होता है, आत्मपरकता मतलब स्वयं पर केंद्रित, आत्म केंद्रित, मेरी भावनाएं मुझे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करती है, मुझे समाज से राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं, इसको बोलते हैं आत्मपरकता, आत्ममुग्धता। जैसे लोग जो सेल्फी लेते हैं, सेल्फी फोटो बार बार फोटो को देखेंगे, यहाँ वहाँ अपलोड करेंगे, है ना, रील्स बनाएंगे और खुद देखकर खुद ही मुग्ध होंगे, खुद से प्यार करेंगे कि मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, मैंने यह काम बहुत अच्छा किया, सिर्फ मैं। तो ये आत्मपरकता मतलब स्वयं पर केंद्रित, आत्म केंद्रित। आजकल लोग ऐसे बहुत पाए जाते हैं जो अपने आप में आत्ममुग्ध हैं, आत्म केंद्रित हैं। तो इसकी अतिरेक मतलब आवश्यकता से अधिक होना भी प्रतीकवाद की कमजोरी बन गया। तो आत्मपरकता अथवा आत्म केंद्रिकता की अधिकता हो गई और यही प्रतीकवाद की कमजोरी बन गया था। हर रचनाकार प्रतीकों को अपना अलग अलग अर्थ देता है, तो उसके विचारों की पूरी जानकारी हासिल किए बिना सामान्य पाठक उन्हें समझ नहीं पाता। अब बहुत सारे प्रतीक हैं, अब हर रचनाकार, हर कवि, कलाकार अपने हिसाब से किसी प्रतीक, अपने हिसाब से जो उसका चुनाव करेगा प्रतीकों का। जैसे किसी के लिए जो लाल गुलाब है प्रेम का प्रतीक हो गया, किसी के लिए पूंजीवादी का प्रतीक हो गया, किसी अन्य कवि के लिए कुछ और प्रतीक हो गया। तो इस प्रकार किसी कवि के द्वारा प्रयुक्त प्रतीकों को समझने के लिए हमको सबसे पहले कवि के दृष्टिकोण को जानना पड़ेगा, उसके विचार भूमि तक हमको जाना पड़ेगा, और इसीलिए उसकी इसके बारे में जानकारी हासिल किए बिना कोई भी सामान्य पाठक समझ नहीं पाएगा कि इस कवि ने इस प्रतीक का प्रयोग किस लिए किया है। पाठकों से कटने पर कृति की कोई सार्थकता नहीं रह जाती और उस कृति का प्रेरक सिद्धांत अर्थ होने लगता है। तो इस प्रकार वह जो कृति है वह पाठक से ही कट जाएगी, और जिन उद्देश्यों को लेकर कृति का निर्माण किया गया है वह उस उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं होगी। तीसरा, प्रतीकवाद ने नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों के नियंत्रण को रचना के लिए बाधक माना। प्रतीकवाद ने नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों के नियंत्रण को रचना के लिए बाधक माना था, इसलिए इसे पतनशील मानकर इसका विरोध होने लगा। प्रतीकवादियों के अनुसार साहित्य में किसी जीवन मूल्य का, किसी नैतिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं है, सामाजिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं है। मतलब जो कविता है अथवा साहित्य है वह नैतिक मापदंडों का उस पर कोई असर नहीं होगा, उससे वह संचालित नहीं होगा। जिसकी जैसा जैसी इच्छा होगी वह वैसा ही लिखेगा, चाहे उसका समाज पर कुछ भी प्रभाव पड़े, उससे कवि को कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इसे पतनशील माना गया, इसे एक अराजकता की स्थिति निर्मित हो जाएगी, लोग जैसा चाहेंगे वैसा लिखने लगेंगे। इसलिए समाज क्या है, समाज के द्वारा यह सोचा गया, कवियों आलोचकों के द्वारा यह सोचा गया कि यह पतनशील साहित्य है, इसलिए इसका पतन हो गया। चौथा, कथ्य के स्थान पर अभिव्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान करना। कथ्य मतलब जो कहने की जो शैली है, कथ्य मतलब जो विषय वस्तु है, उसके स्थान पर उसको अभिव्यक्त करने का जो तरीका है उसको ज्यादा महत्व प्रदान किया गया। प्रतीक अभिव्यक्ति की एक युक्ति मात्र है, प्रतीकों का प्रयोग सिर्फ एक टेक्निक के रूप में होना चाहिए, एक टेक्निक, कविता की एक टेक्निक है प्रतीक। पर प्रतीकों पर बल देते देते इन रचनाकारों ने कथ्य के स्थान पर अभिव्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण हो उठी थी, जिससे रचना का आधार ही ढहने लगा था। वास्तव में विषय वस्तु ही किसी रचना का आधार होती है,
विषय वस्तु के आधार पर ही कोई कलाकार या जो सर्जक होता है वह आगे बढ़ता है, पहले वह विषय वस्तु का चयन करता है, लेकिन यहाँ पर विषय वस्तु के स्थान पर क्या है, अभिव्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण हो उठी थी, प्रतीकों का प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण हो उठा था, इसलिए उसका आधार ही ढहने लगा जो कि विषय वस्तु था। इन सभी बातों ने प्रतीकवादी साहित्य को परिवेश और जनजीवन से काट दिया और यही इस आंदोलन के ह्रास अथवा पतन के प्रमुख कारण थे। तो इस प्रकार जो प्रतीकवादी कविता थी वह अपने परिवेश से कट गई, अपने समाज से कट गई, राष्ट्र से कट गई, जनजीवन से कट गया प्रतीकवादी साहित्य और यही इसके पतन का मुख्य कारण हो गया। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। प्रतीकवाद के इतिहास, उद्भव, प्रमुख प्रवृत्तियों तथा ह्रास अथवा पतन के कारणों पर संक्षेप में विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रतीकवाद एक आत्मपरक मतलब स्वयं पर केंद्रित आत्म केंद्रित सिद्धांत है, जिसमें वस्तु जगत मतलब बाहरी दुनिया जो हमारा यथार्थ जगत है, दृष्टिगोचर जगत है, उसकी प्राणी उसके जो प्राणी हैं, घटनाएं हैं, स्थितियों, सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों अर्थात बाह्य यथार्थ का पूर्ण बहिष्कार। मतलब प्रतीकवाद के अंतर्गत बाहरी दुनिया का कोई महत्व नहीं है, है ना, और केवल इसमें आंतरिक दुनिया है, कवि के भीतर की जो दुनिया है सिर्फ उसी का महत्व है, इस प्रकार यह बाह्य जगत का बहिष्कार है। यह मानव के अंतर जगत उसकी भावनाओं तथा संवेदनाओं और उसके साथ ही दार्शनिक आध्यात्मिक संकल्पनाओं तथा अति प्राकृत की अभिव्यक्ति को रचना का विषय बनाता है, क्योंकि इसके मत में यही अधिक महत्वपूर्ण। तो जो प्रतीकवाद है इसका विषय वस्तु क्या है, कवि का अंतर जगत है, जो आध्यात्मिकता है, जो रहस्यवाद है, जो दार्शनिक दृष्टिकोण है, सिर्फ इन्हीं को इनकी अभिव्यक्ति को रचना का आधार बनाता है, विषय बनाता है और इनके मत में यही अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब यह एक तरफा है, एकांगी है। इनकी अभिव्यक्ति के लिए रचनाकार बाह्य जगत की वस्तुओं और स्थितियों को प्रतीक के रूप में अपनाता है। यह अंतर जगत की अभिव्यक्ति को तो अंतर जगत की जो भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्ति प्रदान करना चाहता है, लेकिन वह प्रतीक कहां से उठाता है, बाहरी दुनिया से, बाह्य जगत से उठाता है। वह अमूर्त को मूर्त के माध्यम से व्यक्त करता है। जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं कवि की, जो संवेदनाएं हैं, वो अमूर्त हैं और इस अमूर्त की अभिव्यक्ति के लिए वह प्रतीक मूर्त प्रतीकों का प्रयोग करता है और इन मूर्त प्रतीकों का चयन वह करता है बाह्य जीवन से। हर रचनाकार की हर रचना में अपने विशिष्ट प्रतीक योजना हो सकती है जो उसकी अपनी संवेदना तथा मानसिकता के अनुसार अर्थ ग्रहण करती है। अलग अलग प्रकार के कवि, अलग अलग प्रकार के रचनाकार मतलब प्रतीकों का प्रयोग अपने हिसाब से करते हैं और उनमें अपने नए नए अर्थ भरते हैं। वस्तु वर्णन के स्थान पर सूक्ष्म अर्थों की व्यंजना को यह रचना का प्राण मानता है। वस्तु वर्णन मतलब बाहरी दुनिया का वर्णन करने के बजाय यह सूक्ष्म अर्थों मतलब जो हमारी सूक्ष्म भावनाएं हैं, जो हमारे फीलिंग्स और इमोशंस हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, इनकी अभिव्यक्ति को यह अभिव्यक्ति का प्राण मानता है। रचना पर बाह्य सामाजिक, नैतिक तथा शास्त्रीय नियंत्रण का भी विरोध करता है। भाषा के इस्तेमाल में भी वह शब्दों में नए सूक्ष्म अर्थ भरता है। तो वह चाहता है कि कविता पर अथवा साहित्य पर कोई बाह्य नियंत्रण नहीं होना चाहिए, कोई सामाजिक, नैतिक, शास्त्रीय नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वह इस प्रकार के नियंत्रण का विरोध करता है और भाषा के इस्तेमाल में भी वह नए नए शब्दों का प्रयोग करता है, नए नए प्रतीकों का प्रयोग करता है और शब्दों में नए नए अर्थ भरता है। साहित्य शास्त्रीय सिद्धांत में प्रतीकवादी आंदोलन का अपना महत्व रहा है, लेकिन यथार्थ जगत के बहिष्कार तथा घोर आत्मपरकता, आत्म केंद्रिकता के कारण इसमें कुछ ऐसी कमजोरियां आ गई जिनके कारण आंदोलन के रूप में इसका ह्रास होने लगा। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र की दृष्टि से अथवा साहित्य शास्त्र की दृष्टि से प्रतीकवादी आंदोलन का अपना महत्व है, लेकिन यह यथार्थ जगत का घोर बहिष्कार करता है और सिर्फ आत्म केंद्रिकता को महत्व देता है, इसीलिए इसमें कुछ कमजोरियां आ गई और धीरे धीरे इसका पतन होने लगा और अंत में पूरी तरह से इसका पतन हो गया। तो इस प्रकार आप लोगों ने भली बात ही समझ लिया होगा। यदि मेरा आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और इस जो लेक्चर है इसका जो PDF है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, साथ ही मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया है। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।